जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। Clips Hindi, Happiness Curiosity, पहले culturally iconic का ट्रेलर देखेंगे पॉज <laughs> करो जहां आपको लगे <laughs> क्या फील होता है भाई ये पता है मतलब मैं लेवल चीज है यार ये मतलब

और मुझे याद है जब GTA 5 निकली थी बहुत बड़ा जंप अप था मतलब ग्राफिकली फंक्शनली वो कब निकली दस साल पहले निकली थी अब दस साल बाद आ रहा है शिट हो रहा है मतलब ये मेरे को अभी भी देखता हूँ मतलब कि ट्रेलर ही इतना कुछ दिखा रहा है तो जब खेलोगे तो क्या कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर मतलब क्या सोचा होगा रॉक ने जी टी के बाद क्या मतलब इतना टाइम ले रहे हैं उन लोग तो दे नीड टू उनको पाँच साल के लिए नहीं गे गेम। ये गेम अगले दस से पंद्रह साल के लिए नॉन mm. <laughs> गेम के लिए ये लिटली गोट गेम का ट्रेलर दिस इज दिगेस्ट गेम जो हर हर दस साल में एक बार आता है mm. ये वो है हम्म प्ले पॉज करना जहां आपको लगे हाँ एनिमल्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये मैंने सुना है ये सब जो दिखा रहा है ना पॉज जो स्ट्रीट ये जो स्ट्रीट वाला वाइब है ये प्रॉपर सैनिट्रीस के टाइम का है जीटीए सैनिट्रीस अब निकली थी हुँ. तो उन लोग ने आप समझ रहे हो इन्होंने हर जगह के एलिमेंट्स को डाल के एक बड़ा जीटीए बनाया एक साथ तो कि, किस लेवल का गेम रहेगा वाई सिटी हाँ, हाँ. और ये जो इंसिडेंट दिख रहा है ये एक्चुअल हुआ है फ्लोरिडा में वो जो सारे चीजें ये, ये क्रोकोडाइल से लेके हर एक चीज ये रियल इंसिडेंट है ये कहीं ना कहीं फ्लोरिडा में हुआ है ये सब चीजें कभी ना कभी मेरे पास है एक क्लिप इंस्टा में मैंने कोई रील देखी थी सेम जैसे क्लिप्स हो रही है और रियलिटी में तो न्यूज में आया दैट्स एग्जैक्टली सेम पता है जब भी मैं ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलता था ना बचपन में मेरे दिमाग में ये थॉट होती थी कि यार मुंबई पर भी एक ओपन वर्ल्ड गेम बननी चाहिए क्या बन रही है और अभी बन रही है और हर GTA गेम एक सिटी पर बेस्ड होती है जैसे हाँ, GTA 5 LA पर थी हाँ कैलिफोर्निया इस बार आई थिंक तीन अलग सिटीज आए इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज Y सिटी मतलब फ्लोरिडा मियामी मियामी फ्लोरिडा पूरा है और मतलब इसका मैंने मैप जितना देखा था ये वाई साइड बस इतना है इस साइड में कुछ इतना बड़ा सा है इधर भी कुछ इतना बड़ा सा है तीन अलग बड़ा बड़ा जगह है मतलब एक विल्डनेस होगा जैसे वो हाँ, सैंड वाला एरिया कुछ हाँ, रहेगा ये सारे बहुत आइकॉनिक सीन्स है मतलब रियल लाइफ मोमेंट्स आपको मैं दिखाता तो हूँ एक चीज आप रिलेट करोगे इसमें वी कैन प्ले ऑन स्क्रीन मेरे इंस्टा पे हाँ। है वो हाँ जस्ट वॉच दिस एक्साइटमेंट रियल लाइफ न्यूज है ओ ओके ओके मतलब असली में जो हुआ है हाँ एंड दैट्स अ सीन इन गेम सारी सीन्स सोचो वाह मतलब जो भी ग्राफिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब हुआ है एक ना एक बार कभी ना कभी हुआ है वाह

बचपन में मेरी मामी मेरी मम्मी बहुत रूट जाते थे जब मैं वाइस सिटी खेलता था कि ये क्या ये, खेल रहे हो ये कॉमन चीज है लिटरली मेरे को ऐसा लगता था मैंने कुछ क्राइम कर दिया है मैंने उस गेम में अगर किसी गाड़ी चोरी कर ली मेरे घर वाले में कुछ... क्या कर रहे हैं इसे कैसे आ... गेम खेल रहे मम्मी गेम है वो जो मैं अब आप... आप लोग मूवी में देखते तो हम यहाँ करने कर पा रहे होते हैं बस मजा इसमें आता है बचपन में जब हम कोई भी फर्स्ट पर्सन शूटर खेलते थे या जीटीए खेलते थे तो हमें कहा जाता है कि आप वायलेंट बन हाँ, रहे हो जी ये बहुत कॉमन चीज है जीटीए में बोलते थे क्योंकि वहाँ पे दिखता है ना कि ह्यूमन है दूसरे गेम्स में एलियन कार्टून तो लोग कुछ बोलते हैं अरे तो ठीक है इससे मैं दिखता है कि क्या क्या कर सकते हो और आई थिंक ये बहुत ही यूनिक रहने वाला है क्योंकि जिस लीग के साथ मुझे पता है इसमें हर एक पेडेस्ट्रियन जो है इस गेम में एग्जिस्ट करेगा दे विल रिएक्ट टू अ वे जैसे आप कुछ कर रहे हो इफ यू डू समथिंग पीपल विल गेट स्केर्ड हर बंदा लाइक आई थिंक दस अ फीचर जहाँ पे दे विल कॉल कॉप्स इफ यू डू सम रैंडम शिट जो गेम में नहीं करना hmm. है hmm. जो रियल लाइफ में हो सकता है और हर चीज कर सकते हैं यार लाइक दिस इज अ लेवल अप यार मतलब मैं मैं जो इमेजिन करता तो मे बी इससे भी ऊपर कुछ चीज होगा हम्म hmm. ले कब रिलीज हो रही है 2025 बोला है अभी से हाइप स्टार्ट हो लोग इस ट्रेलर के लिए दस साल वेट किए हैं <laughs> भाई मैं खुशी खुशी दिन उस दिन का वेट कर सकता हूँ जब ये गेम आएगा सबसे इम्पैक्टफुल गेम कौन सी रही आपके लिए आपके बचपन में काउंटर स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक एक्चुअली फीफा देखे थोड़ा सा हंड्रेड परसेंट यार कैसे दिखा लोगों को आई थिंक गेमिंग के हिसाब से आप दिखा सकते हो गेमिंग बाहर कितना बड़ा है Hmm. आपको एक है एल ओ एल मतलब एक ओपनिंग सेरेमनी है लीग ऑफ रेजिंग का गेम है आप वो दिखा सकते हो कि बाहर गेमिंग इतना बड़ा इंडिया में ये वहाँ तक पहुँच सकते दिखाओ लिखो एल ओ एल ओपनिंग सेरेमनी आगे oh. पहले आ गया oh. फर्स्ट वाले खोलो सेकंड वाला कहाँ है ये कोई तो कंट्री में जस्ट सीधे ओपनिंग सेरेमनी ओ वाह That's the opening ceremony <laughs> of a finale. लग रहा है है ऊपर तो भरे हुए हैं तो गेमिंग बाहर इस लेवल पे आप सोचिए इंडिया में कोई गेम का फिनाले है एक स्टेडियम ऐसे भरा हुआ है ये होगा इंडिया में हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी फाइवेंड ट्वेंटी

लेट्स सी अ प्राइस फुल फॉर चलो बीजे में देखते पबजी मोबाइल क्या देखते हैं कि लिखो पबजी मोबाइल ट्वेंटी ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर प्राइस फुल नहीं नहीं वो नहीं है और और कुछ है जिस तो एक काम करते हैं रुको किस किसका देखें हम लोग इन जनरल तो कुछ बड़ा अमाउंट देखना है ना तो आप लिख दो ना ऐसा एल ओ एल लिखो डोटा देख ले डोटा टू डोटा टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाएगा हाँ। मतलब इस साल डबल हुआ है यप। और शायद और भी ग्रोथ आने वाली हाँ। है तो आई में कितना होगा ए, एक करोड़ मतलब सेवेंटी एक मिलियन डॉलर वन मिलियन डॉलर्स डॉलर सेवन करोड़ रफली तो थ्री ट्वेंटी वन करोड़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री करोड़ तक होगा एक टूर्नामेंट में इतना बड़ा प्राइसफुल <laughs> रहता है आई थिंक काफी बड़ा है यार हाँ, ये हाँ। और आठ लोगों की टीम होती आपने कहा ये डोटा है तो इसमें रहेंगे कुछ कितने पांच प्लेयर्स रहते हैं और एक दो कोच वो सब मिला के होगा ये सब दो करोड़ मिल रहे है। कुछ तो मिल रहा है ना और, और प्लेयर्स साथ किसका एट्टी ट्वेंटी होगा किसका सेवेंटी थर्टी होगा किसका होगा वो डिपेंड करता है उनके सैलरीज पेगा जो मेरे को फील होता है तो प्लेयर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है तो शायद और

और मैंने ये सुना है कि प्रेप करने के लिए एक डेली स्केड्यूल होता है हर टीम का यस yes. मतलब हफ्ते के सात दिन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है करनी चाहिए ओ, चाहिए।, चाहिए और आदमी करता ही है क्योंकि उनको दिखता है ना कि वाला बंदा अच्छा खेल रहा है तो क्यों नहीं करेगा आ, पर कितनी ट्रेनिंग होती है मतलब एक मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन बता दीजिए तो नॉर्मली सारे गेमर्स सोते लेटे तो उठते भी लेटे बारह बजे तक खेलना स्टार्ट करते एक बजे से तो आप समझ लो कि आपने ब्रेकफास्ट लंच एक ही होता है सबके लिए किया सीधा बेटा गेम खेलने एक बजे उठेंगे सीधा साढ़े चार पाँच बजे के आसपास उसके बाद स्नैक्स उस वनैक्स किया बातचीत कर ली फिर छः साढ़े छः बजे वापस स्टार्ट किया नौ बजे तक चले गए नौ बजे नौ बजे तक नौ दस बजे तक ख़त्म हो जाता है चीज दस बजे के बाद अगर दिन खराब गया है, तो आदमी वापस खेलता है बारह एक बजे तक पर खेल पाते हो उतना मज़ा आता ना वही जी अगर मज़ा नहीं आता तो क्यों खेलते हैं पैशन है इसलिए प्रोफेशन है पैशन नहीं होता तो ये प्रोफेशन नहीं होता मज़ा आता इसलिए खेल पा रहे हैं लोग बोलते इतने घंटे कैसे खेल पा रहे हैं यार हमें मज़ा आता है यार वो चीज़ फिजिकल फिटनेस का कुछ रोल रहता है बहुत रोल रहता है यार अगर आप अनफिट हो पता है लेजीनेस आ जाता है बहुत बहुत लेजीनेस आता है और फिट हो तो एक्टिव होते रहता है आदमी थकता नहीं जल्दी ये बहुत ज़्यादा लिंक लिंक है बहुत लिंक है कि जो फिट रहता है ना मतलब ऐसा नहीं बोलो यूनीट टू बी श्रेडेड यूनीट टू लिफ्ट हैवी वेट्स नहीं यूनीट टू बी फिजिकली फिट टू एटलीस्ट रन इफ यू आर एबल टू प्ले देन यू आर फिट मैं ऐसा मानता हूँ आप डे टू डे काम कर पा रहे हो आप भाग पा रहे हो तो आप फिट हो लोग फिटनेस को ले लेते ये यूनिट भी सुपर शेडेड शेड ट्वेल्वेंट बॉडी फैट नहीं यार दैट्स कि आप फिटनेस को फॉलो कर रहे हो फिजिकली फिट मतलब आप अपनी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच कर पा रहे हो आप बाहर भागने निकलो आधा घंटा जॉग कर पा रहे हो यू कैन प्ले अ स्पोर्ट तो आप फिट हो मतलब एनर्जेटिक दिमाग हाँ। चाहिए रहता है हाँ। जिसके लिए एनर्जेटिक बॉडी बॉडी चाहिए, बोड़ी चाहिए। अब लेजी में एनर्जी वाली दिमाग नहीं डाल सकते आपको थकान आएगी नींद आएगी आलस आएगी आलस आएगी तो क्या होगा आप में कुछ कर नहीं पाओगे अब ऐसे रह गए छोड़ना ऐसे हो जाओगे दोस्तों टी आर एस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द